मौसी ने आज मेरे बारे में क्या कहा। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और ये देखिए एयरफोन में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मुझे मिला गिफ्ट में। सो आगे पूरी ब्लॉग देखना तो पता चल जाएगा आपको किसने दिया ये। और मैं आई हूँ यहाँ पे, यू नो, कार्डियो करने जा रही हूँ मैं। तो चलिए मैं कार्डियो कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और आज भी मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, तो 25 मिनट क्या, पहले मैं 10 मिनट भी नहीं कर पाती थी, बट अब मैं 25 मिनट तक कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह आप जब एक्सरसाइज करके जाते हो ना घर पर। फ्रेंड्स, घर आ गई हूँ मैं, और घर आने के बाद, ब्रश करने के बाद, थोड़े बहुत काम करने के बाद, और आज पीहू बहुत जल्दी उठ गई थी बाय द वे। सो बस पीहू को थोड़ा सा लेके बैठी थी और फिर किचन में वही का काम, रोज का काम। सो यहाँ पे मेरी रोटियाँ एक्चुअली बन चुकी है, तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ, पनीर भुर्जी। सो यहाँ पे मैंने करी लीव्स डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, तड़के लगा लूँगी, और उसके बाद जो यू नो कांदा टमाटर एज़ यूजल जैसे बनाते, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बट बहुत ही डिलीशियस लग रहा था खाने में। और बस यहाँ पे मैंने कांदा भी चॉपर में काटा है। सो ये चॉपर बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद कहा है कि हमने भी ले लिया। सो बहुत अच्छा लगता है ना कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करो तो, और सच में ये चॉपर बहुत अच्छा है। और मेरी दीदी ने तो यहाँ तक कि बनारस से डिमांड की है मुझे भी चाहिए। और यहाँ पे पीबू के लिए भी मैंने थोड़ा सा पनीर ना बेसन में इस तरह से फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे टोमेटो मैं ऐड कर दूँगी। सो मुझे चॉपर देना पड़ेगा अब गिफ्ट में। सो कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिल रहा है, दीदी बोल रही थी। सो बस यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है पनीर भुर्जी, जो कि मैंने बहुत ही आसानी से बनाया रेडी। और यहाँ पे मैंने पनीर जो है उसे भी मैंने चॉपर में ही क्रश किया है, फिर बहुत ही सिंपल तरीके से फिर चला लेंगे। और नमक हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा मसाला ऐड कर दूँगी, और मेरा डिलीशियस पनीर भुर्जी रेडी होके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी आ जाइए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी की टिफ़िन भी रेडी हो गई है, और बहुत ही उन्हें जल्दी जल्दी था, और सुबह का टाइम बहुत ही फास्ट हो जाता है। सो यू नो, सो बीच में पीहू उसमें कुछ छिछी कर देती है, फिर उसे भी करो, फिर ये काम भी करो, फिर बहुत सारे एक साथ मल्टीटास्किंग काम आ जाते हैं। यहाँ पे टिफिन रेडी हो गया है। और ना थोड़ा सा बस अभी फ्री हुई, काम करते करते मैंने ना दही लगा लिया था, और दही को आप लगा के ऐसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद मसाज करने के बाद ना जो डर्ट निकलते ना, ओ माय गॉड, आप देखो। तो पीहू पापा जा रहे हैं, पीहू बाय कर रही है। पापा को मैंने बोला चलो चलो बाय बाय, पापा तुम खा के गई कि नहीं, पापा तुम पानी पिया कि नहीं, सारे इंक्वायरी करने के बाद पीहू भेजती है, पापा गए लल्ला, पापा को बाय बोला ना। फिर पापा के जाने के बाद भी पीहू का चालू रहता है बाय बाय। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने बालों को यू नो टॉनिक देने जा रही हूँ कह सकते हो। और ये देखिए पूरा, एक्चुअली मुझे नहाना ही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो जैसे कि मैंने अभी बालों का बताया था आप लोगों को, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड आए। और देखिए, अगर बालों की केयर नहीं करते ना फ्रेंड्स, तो हमारे बाल बहुत ख़राब जाते हैं। पहले मैं सच में केयर नहीं करती थी, और फिर मुझे लगता था मेरे बाल झड़ते हैं ऑल, और बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं कि इसे कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले उसे अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट डालिए, क्योंकि ना पहले तो हम लोग अप्लाई नहीं करते, और उसके और स्टार्ट यू नो इतना बोलते ना भाग दौड़ वाली लाइफ में टाइम नहीं होता। आपके मुझे लगता है ना, अब सबको सब कुछ पता है कि क्या करना है, एंड आपको केमिकल यूज करना है या हर्बल प्रोडक्ट यूज करना है या क्या यूज करना है, यू नो आपके अकॉर्डिंग, मतलब टाइम बहुत ही लोगों के पास कम है। जैसे कि भागदौड़ वाली लाइफ बहुत ज्यादा हो गई, चाहे हम घर में रहें या बाहर ऑफिस में रहें या फिर यू नो, सो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ही चाहिए। जैसे कि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं निकालती थी, तो मेरे सच में झाड़ू जैसे बाल थे, और जो मेरे फ्रेंड है ना वो देख रहे हैं, और उनको अच्छे से पता भी है कि कौन बोलते थे। बट ना मैं कभी ऐसा माइंड नहीं करती थी, बट आप देखिए मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्लॉग के थ्रू। सो मैं इसे एक्चुअली अलग करने वाली थी, बट कैसे होता है ना कि अलग से भी आपको शेयर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, और यू नो
सो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। मेरे किचन बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं क्योंकि बहुत फास्ट 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 काम हो जाता है, यू को देखना एंड ऑल। सुबह मैं जिम जाती हूँ फिर आती हूँ, और मेरे हस्बैंड अराउंड 9:30-10 o'clock तक निकलते हैं, तो 7 to 8 वहाँ हो जाता है। फिर आने के बाद जो मेरा थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा खुद के लिए, फिर उसके बाद 5 मिनट भी मिलता नहीं है एक्चुअली। बट चलिए, मैं आप लोगों को अपना हेयर केयर रूटीन आज शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बालों में क्या अप्लाई करने जा रही हूँ, और उससे बाल होते आपके बहुत ज़्यादा सिल्की एंड शाइन। सो लेट गेट स्टार्टेड। पीयू, देखो मेरी पीयू कहाँ है, और देखो नंगू बाबा। मैंने एक ये बाउल है ना कांच का, उसमें दही बनाया था, सो इसका हाफ लूंगी क्योंकि मेरा लेंथ जो है ना इतना ज्यादा नहीं है, सो हाफ लूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी। सो इसमें हाफ लेमन मैं ऐड करने वाली हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एंड पीयू, पीयू मेरे साथ खेल रहा है मेरा सोना। पीयू पीयू को एक बार ना लेमन टेस्ट कराना है मुझे, ऐसा टेस्ट कर लेगा। हाँ ये ले लो, पकड़ो लो, हाँ टेस्ट कर लो। एंड मैं ऐड करने वाली हूँ ये हनी, पीयू को हनी पसंद है ना सोना, बस 1 tablespoon आपको हनी ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं कल्ला है हेयर मास्क बना लाए है, और इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन डी भी होता है एंड B5 होता है, सो ये अपना कह सकते हो ना बहुत ही अच्छा अपने हेयर को, आपके हेयर में डैंड्रफ है तो उसे भी रिमूव कर सकता है, जैसे मैंने नींबू ऐड किया है। सो बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये कह सकते हैं ना पार्लर में जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं। मम्मी मीठा लग रही है। हाँ मीठा लग रहा है, अरे मेरे बच्चा। सो पार्लर में हम जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, सो ट्रीटमेंट लेने से पहले ना ये एक बार आप लोग जरूर यूज करना फ्रेंड्स, मेरे कहने पे नहीं बट अगर आपको शाइन चाहिए ना बालों में जरूर यूज करना, और आप इसमें अंडे भी यूज कर सकते हो, वैसे मैं अंडे नहीं यूज करने वाली हूँ, और बस मैं इसे ऐसे ही अप्लाई करूंगी। पीयू को ऊपर आना, मैं पीयू को दिखा दूं, आ जाओ सोना, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। आज मेरा पीयू ना सुबह सुबह उठ गया, देखो अभी मेरा पीयू हन्नू भी नहीं किया, आप कुछ बज रहे 10:30 है ना। आज पीयू के स्कूल में एक्चुअली क्या है बाबू, स्विमिंग डे। सो बट मैं पीयू को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि पीयू को ना सर्दी हो गया है ना सोना, मेरे पीयू को सर्दी हो गया देखो, और टब में ही एक्चुअली करने वाले हैं, और फिर मैंने सोचा नहीं लेके जाती क्योंकि ऑलरेडी पीयू को सर्दी है और हो जाएंगे, और बच्चे और पीयू को लेमन अच्छा लगा, सोचा नहीं इसे ऐड कर लेती हूँ। सो इस तरह से ही आपको लगाना है, कुछ इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और चाहिए तुमको नींबू अच्छा लगा, आ करो। पीयू को ना एक्चुअली खट्टी चीज पसंद आती है, और पीयू कीवी भी खा लेती है, मैं नहीं खा पाती कीवी, अखा मुझे बहुत एकदम कड़वा लगता है, मतलब खट्टा खट्टा लगता है, पीयू मस्त से एंजॉय कर लेती है। और मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर की ना असलियत, ये देखिए ये सारा क्रेडिट जाता है मेरा सोनपरी को, है ना सोनपरी, ये सब कौन किया, अभी मैंने सब अरेंज करके गई थी, और मेरे हस्बैंड ना एक बार जाते वक्त थोड़ा सा झाड़ू वीडू लगा के जाते हैं, सब समेट के जाते हैं, बट पीयू वापस से कर देती है ना पीयू, मेरा पीयू कितना काम करता है, मेरा लल्ला बहुत काम करता है, देखो सब मेरे जिम के जो है ना मेरे बैग उसमें से निकाल के चॉकलेट खाया पीयू ने, और देखो कितना मस्ती कर रहा है पीयू। बाय द वे पापा के साथ हन्नू करती है, लेकिन आज पापा थोड़ा जल्दी गए तो हन्नू भी नहीं किया, और ये ऑल टाइम फेवरेट मेरे हस्बैंड जी का छोटू। चलिए मैं काम कर लेती हूँ, ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से घर जा देती हूँ। सो वेरी गुड माय सोना, दे दो मैं झाड़ते दो, झाड़ते तो है ना, जितना और कचरा कर देते है ना सोनू। हाँ हाँ निकी गंदा है, अभी दे दो मुझे, नहीं दे दो, मैं करता है ना लल्ला, तुम्हारा कचरा भी नहीं आ रहा देखो उसमें, आ रही है ठीक है, कलो कलो।
बिहू रेडी हो गया हन्नू करके, है ना शना? शना वेलकम माय डार्लिंग। बॉडी आता है ना लल्ला को? मैं शोना को बॉडी आता है ना? यम्मी है, यू लाइक इट? देख सकते हैं नहाने के बाद मेरे बाल कितने कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, और इसे सूखने के बाद मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी तो बहुत गीला है। और ये रही मेरी पीहू रानी। पीहू सबको हेलो बोल दो। और पीहू का ये है अभी खाने का टाइम। सुबह पीहू को एक बार दूध दे देती हूँ, फिर कुछ फ्रूट दे देती हूँ, उसके बाद फिर पीहू को मैं खिला रही हूँ। आज ये है पनीर मैंने बनाया पीहू के लिए। सो ये है मैंने यू नो बेसन में फेंट के बनाया है। और पीहू फ्रूट खा चुकी है, ये मैं खाने वाली हूँ। और ये है सेंगा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मिल रहा, तो ये सेंगा ना दूंगी मैं। और ये पपाया मेरे लिए, और पीहू को भी बहुत पसंद है। मेरा मेरा तुम ये खाओ। हमें थक गया। सो मेरी पीहू ना मुझे है ना शोना बेटा आ जाओ आ जाओ। सो हाँ मेरी पीहू ने ना एक्सरसाइज कराया, और हम लोग ऐसे ना हमेशा फ्री टाइम में हम लोग करते हैं ना शोना। वन टू थ्री और आज पीहू को नहीं लेके जाना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ अदरवाइज। हाँ चलो इस वक्त मुझे लेके भागना पड़ता है, और 12 से 2 मैं क्या करती हूँ आप लोगों को पता है, एडिटिंग के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे वही टाइम मिलता है थोड़ा एडिटिंग करने में, अदरवाइज मैं पीहू नहीं करता देता। देखो ओह माय गॉड पीहू देख रहा है, देखो
पियू को बाद में ट्राइपॉड बोलने आ गया। पियू बोलो ट्राइपॉड, टापड़ा ट्राइपॉड बोलो। लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर, सब लोग लाइक कर दो। और बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस डाला, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है और ये वेबसाइट से मैंने लिया था और ये मेरे प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इतना पहना है ना कि सब लोग देख के थक गए थे कि तुमने कितना इसे पहन डाला, बट मुझे स्टिल आई लव दिस ड्रेस, बहुत अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, मुझे इस तरह से अनारकली ड्रेस बहुत पसंद है ना शना, और मेरे पीयू को मैं पसंद है। और हम लोग दिखाई नहीं दे रहे बाबू यहाँ से, ये देखो अब दिखाई दे रहे हैं, हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये देखो। चलो बाय, मिलते थोड़ी देर के बाद है ना। हाँ ना क्या अभी मिल, ठीक है तुम बोल लो क्या बोलना है, बोलो 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 क्या बोलना है सबको। हाँ पोएम बोल दो, पोएम अच्छी आ गया लल्ला को। जीवन उसका पारी है, हाथ लगा के दरवाजे बाहर चलो तो मिल जाजी, पान में दाल मिल जाजी, सारा पारी पी जाजी। बहुत सारा पोएम सुनाता हूँ तुमको, बोल रहे हैं चाचा ने ना मुझे का कॉल आ गया था और मुझे ना मेरे देवर जी ने ना मुझे बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। मैं बहुत दिनों से एक्चुअली सोच रही थी तो मैंने चलो सोचा ये ब्लॉग मैं बना देती हूँ और ये ब्लॉग शायद बहुत लंबा हो जाए क्योंकि पीयू का गाना ही हो गया है। और ये है यू नो टेस्को ब्रांड का और जो कि आज जिम जाते वक्त मैंने यूज किया और मुझे ऐसा फील हो रहा था ना, ओ माय गॉड बहुत अच्छा लग रहा था। नॉर्मल जो एयरफोन होता है ना उसके हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट होता है, बट ज्यादा भी यूज करेंगे ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। मैं एक्सरसाइज करते वक्त लगाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच टू माय देवर जिनको हम प्यार से ना चुनमुन बोलते हैं और ऐसे नाम महेंद्र है और काफी अच्छा है ये देखिए। और मैंने नॉर्मल बोला था कि मुझे चाहिए था तो लाके मुझे दे दिया, सो मुझे कितनी लकी हूँ देखो, मतलब जो चीज मांगो ना वो मिल जाती है। चलिए ये ब्लॉग शायद बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया बाबू।
अभी बाकी है। बाकी कब से तुम कर रहे लला? मौसी ने आज मेरे बारे में क्या कहा? मौसी सांगा सांगा ना, मेरी आंटी ना जल्दी खाती नहीं है, कुछ भी नहीं खाती है, तो मैं बहुत फोर्स करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से ना कुछ भी मैं बनाती हूँ नया, तो ऐसा अच्छा लगता है मुझे खिलाना, और मतलब अच्छा लगता है मुझे। ये देखो मेरा बच्चा, तो मैंने आज बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने आधी रोटी ली और अच्छा बनाया, बहुत तारीफ कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। और मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं नया एक होटल डाल लूं। सो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कोई तारीफ करता है ना खा के, तो ऐसा लगता है सब सब खा लो, सब खा लो। अब मेरी मौसी बहुत स्वीट है, बहुत 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 ही अच्छी है, बहुत है ना। हाँ मस्त बनवले खरच, तुम्ही टाकलत ना तो भरपूर गिरायक है ना तुमच्याकडे। चलो अब मैं ये नेक्स्ट ना ये क्या कहते हैं होटल खोल ही लेती हूँ, है ना। और वैसे भी मेरा ड्रीम है होटल, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, बाप रे। मौसी बोल रही बहुत ग्राहक आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना। थैंक यू मौसी। और मेरी मौसी ना मेरी बहुत तारीफ करती है, मतलब तुम आगे जाओगे ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ आपको, बट अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मौसी। और आज मैंने थोड़ा सा ना कैप्चर कर लिया इनका, नहीं बोल रहे थे, थोड़ा सा ले लेती हूँ। जल्दी कुछ भी ऐसे बोलती हूँ ये खा लो कभी नहीं खाती, बहुत फोर्स करना पड़ता है मुझे इन्हें। और मुझे अच्छा लगता है खाना, मतलब तो खाया ना कोई तो अच्छा लगता है। चला बोड़ी भाजी केंद्र खोलने वाली मेरा नेक्स्ट टारगेट, कितना क्या क्या करूँ एक लाइफ में यार। हाँ पीयूला मोटी हो जाता, आता तो पीयूज आए। बोल रहे इतने 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 ग्राहक आएंगे कि तुम काम करने के लिए तुम मतलब सोचने लग जाओगे इतने ग्राहक आएंगे। पीयू देखो क्या कर रहा है, देखो पीयू बता सबको, हेलो बोल दो, बोला हम लोग बाहर जा रहे हैं। चलिए मैं बाहर जा रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को। तो शाम का वक्त हो चुका है और मुंबई में बारिश भी थम गई है, तो फिर हस्बैंड जी ने कहा चलो पीहू को गार्डन लेके जाते हैं, बस पास में ही ये गार्डन, और पीहू यहाँ पे खेल रही है पापा के साथ। सो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताना। और जैसे कि मैं पीहू को ना नहाते वक्त उसे मोबाइल दे देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि पीहू कहीं ना पानी में ना चली जाए या फिर खिड़की ना खोल ले। सो मोबाइल देने के बाद कैसा होता है ना, एक जगह तो बैठती है और मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे बहुत डर सा लगा रहता है, तो उस वक्त मैं मोबाइल दे देती हूँ। तो ये मुझे एक हादसा जैसे हुआ था मेरे साथ, और पीहू में नहाते वक्त पीहू ने मुझे बाहर से कड़ी लगा दिया था, बट मेरा लक अच्छा था कि उस दिन मावशी भी थी घर में तो उन्होंने खोल दिया। सो ये डर सा बैठ गया है मुझे, इसीलिए मैं पीहू को सामने बिठाती हूँ, कुछ ऐसे दे देती हूँ, अदरवाइज़ पीहू मस्ती करने लग जाती है। और ये रात का टाइम है, जैसे सुबह पनीर शाम को पनीर, मेरे हस्बैंड जी को जो पसंद आता है ना वो दिन भर बना के तो खाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर चिल्ली बना रही हूँ, और यहाँ पे बस कैरेट ले लिया, कैप्सिकम एंड कॉर्न और ऑनियंस लेके सॉटे कर लेंगे, और इसमें पनीर चिल्ली मसाला डाल देंगे और पनीर ऐड कर दिया। बहुत ही डिलीशियस पनीर चिल्ली बना था फ्रेंड, तो ये पनीर चिल्ली बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, और रोटी भी बन चुकी है। बाबू ना ग्लास से दूध पीता है, मेरा बाबू बल्ला हो गया, देखो मेरा वाटर टूट गया है। हाँ बॉटल, मेरे बाबू को बॉटल में ना वो आया था कुंडू, आया था गंडू, ऐसा 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 ऐसे ना ऐसे ऐसे वॉर्म आया था, वॉर्म है ना बाबू। हाँ सब लोग को दिखा दो। हाँ ठीक है, सब लोग को दिखाते हैं, मैं थोड़ा देर में दिखाती हूँ, तुम्हें पी लो पहले। मेरा बाबू ग्लास से दूध पीता है देखो। हाँ मेरे बाबू को बहुत सारा ब्लेसिंग देना,
बोल दो बहुत सारा मेरे को ब्लेसिंग चाहिए, बोल दो। मैं दिखाता सब तुम्हारा ग्लास है, मैं पीऊंगा ग्लास। देखो टूट गया, देखो टूट गया है। मेरे बाबू कल स्कूल जाएगा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, गुड गर्ल। अली 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 अली, मेरा भी गुड गर्ल है ना, क्योंकि मैं बल्ला हो गया। हाँ मेरा पीयू बल्ला हो गया, और मेरे पीयू को बहुत अच्छा ब्लेसिंग देना है ना, मेरा पीयू जल्दी जल्दी बल्ला हो जाए। और मेरा पीयू ना शेंडी बनाया था, शेंडी है ना। हाँ मैं शेंडी से नाच। और देखो ये मेरा बाबू पूरा फिनिश करेगा, बिद्दू रन मैजिक से फिनिश कर देगा। वाह मेरा बच्चा, वाह वेरी गुड, वेरी गुड मैं सोना। मेरा लला कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्याला बच्चा है मेरा ना, तो पागल का बच्चा। अले 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 अले, मेरा बच्चा कितना प्याला है। चल चल मैं रखती हूँ, गुड नाइट। बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू ऑल। लाइक ये कौन करो मम्मी, पता नहीं कौन किया, अंकल ने किया। कैसे अब बताती हूँ, दूध पी लो तो बताती हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी स्टोरी है बेटा, ठीक है, पी लो बताती हूँ तुमको, ठीक है। गुड नाइट बोलता हूँ।